मतलब L&T के जॉब से अब तू भर गया है मन तेरा, इसलिए अब तू सब्जी बेचेगा। यार 50% प्रॉफिट है भाई। सुबह के 11 बज रहे हैं और आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, हमारा चुन्नू दोबारा से किचन में ही है। आज क्या बन रहा है चुन्नू? कड़ी। हम लोग घर पे थे, मम्मी बनाती थी तभी खाता था। बैचलर में ये सब कहा? चुन्नू पूछता है, अरे भाई ये सब में बस खाना पेट भर भर जाए बस उतना ही होता है। कल से हम लोग काफी चटपटा और मजेदार चीज खा रहे हैं, इज बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। दादी और मम्मी को छोड़ करके पहला बार कोई बैचलर इस चूल्हे पे बना रहा है कुछ ऐसा। अशोक हेल्पिंग हैंड है, अच्छा से काटो नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा, पेमेंट नहीं होगा पूरा। सर पहला महीने का पेमेंट बाकी है सर। अरे ऐसा हो चला है। सर पेमेंट चाहिए। नहीं नहीं ओफ, अमीर आदमी देखे नहीं पीछे पड़ जाते हैं ये लोग। आज हम लोगों के फ्लैट में वो चीज हुआ है जो बिल्कुल असंभव, इतने दिनों में कभी नहीं हुआ था। टाइम देखिए 12:30 बजने वाले हैं, अभी पूरे 12:30 हुए भी नहीं है और हम लोगों का खाना रेडी है, लंच रेडी है। तो आज हमारे खाने में है चावल कढ़ी जो चुन्नू ने बनाया है, ये सब्जियां कल मंगवाया था हम लोगों ने तो थोड़ा बच गया है, और थोड़े सैलेड्स। आवरा का डाबरा खुल जा खुल जा। चल हैप्पी जर्नी, स्टेशन पे पहुंच के कॉल कर, ठीक है? ट्रेन तो 3 बजे की है लेकिन अभी 1 बजे ही चला गया, कि इन केस अगर रास्ते में ट्रैफिक वगैरह मिले तो बेहतर है कि पहले जाओ। कल अशोक ने 5,000 रुपए का शर्त लगा तो दिया था जोश जोश में, लेकिन आज वो ठंडा हो गया, बोला कि नहीं भाई रहने दे, क्या ही करने का है। मैंने भी चलो छोड़ो बच्चा है छोड़ दिया मैंने भी, वरना 5,000 रुपए आज तो अपने पॉकेट में आने ही आने थे, और पेट्रोल भी पूरा टैंक फुल करने का वादा था, लेकिन चलो ठीक है कोई बात नहीं है। गाइज लुक एट माई प्रिय मित्र, he is so much busy with his phone. क्या कर रहे हो अशोक? कॉन्फ़िगरेशन चेक कर रहा है। कॉन्फ़िगरेशन चेक कर रहा है, क्या कर रहा है चेक मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए इसने आज सुबह से ये सारी चीजें नोट किया हुआ है, Realme 8i, Realme 8s, और क्या है भाई Realme 8, 8 5G, सब कुछ यहाँ लिख रहा है, जबकि मैंने इसको एक और तरीका बताया। क्या बताया था अशोक? कंपेयर करने के लिए, फोन के अंदर ही कंपेयर कर सकते हो ऐप में, बट वो अच्छा नहीं लगता, ऐसे अच्छा लगता। हाँ इसकी एक्चुअली आदत है, बचपन से इसकी ऐसी आदत थी कि स्कूल में भी ये सब कुछ ऐसे नोट्स बना के लिखता था और तभी नंबर लाता था, राइट? अच्छा अभी कैसा है कि ये सुबह से रिसर्च कर रहा है ना, उस रिसर्च में हम लोगों ने एक चीज फिगर आउट किया है कि रियलमी ने अपने सारे फोन के प्राइसेस 1,000 से 1,500 रुपए तक के उसने इंक्रीज कर दिया है इस सेल में, खास करके बिग बिलियन डे में, और अभी इसके बाद जस्ट आने वाला है दिवाली। मैंने ये चीज देखा कि बिग बिलियन डे में भी ये एक चीज होता है कि जब आप स्टार्टिंग में ऑर्डर करोगे ना, सबसे पहले बिग बिलियन डे खुलते ही आपको सारी चीजें कम प्राइस में मिलेंगी, बट उसके बाद धीरे धीरे उसके ग्रेजुअली प्राइसेस बढ़ते जाते हैं। तो मैंने और अशोक ने ये प्लान किया है कि इसका फोन अशोक का हम लोग लेंगे दिवाली ऑफर में रात को 12 बजे, जैसे मैंने अपना आईफोन खरीदा था, महादीपावली ऑफर में बुक करें। एकदम लक्ष्मी जी आएंगे तुम्हारे घर, लास्ट टाइम जैसा। यस हमारे घर पे हमारे ग्रोसरीज आ गए हैं, देखिए कल शाम को मैंने ऑर्डर किया था, अभी इन्होंने डिलीवर कर दिया है, बहुत फास्ट डिलीवर हुआ है। हाँ डिलीवरिंग अच्छी रहती है। कल मैंने आपको बताया था कि कल शाम को ऑनियन हम लोग लेने गए थे करीब 50 रुपए किलो के हिसाब से, और अभी मैंने ऑनलाइन उठाया 25 रुपए किलो। भाई 25 रुपए है, मार्केट में 50 रुपए है, 50% का प्रॉफिट है, तो क्यों ना इसी का बिजनेस किया जाए। मतलब L&T के जॉब से अब तू भर गया है मन तेरा, इसलिए अब तू सब्जी बेचेगा। 50% प्रॉफिट है भाई। सही बात, इन्वेस्टमेंट करा 100 रुपए कमा 200 रुपए। ये बात सही है, मतलब एक कहावत है ना हमारे बिहार में कि नौकरी करो तो सरकारी वरना बेचो तरकारी, तो दिस इज तरकारी मतलब सब्जी। शाम होते भूख तो लग ही जाती है, दोपहर में 12:30 में खाया था तो अभी आते आते वक्त भूख लग गई। अशोक से फरमाइश किया है, देखिए क्या बना के दिया है अशोक ने। थैंक यू सो मच भाई, वेलकम। हो अभी जाके नहा धो के रेडी हुआ हूँ तो अच्छा लग रहा है। क्या हुआ शाम को मैं अचानक से सो गया, नींद आ गई, अशोक ने 7:30 बजे मुझे जगाया कि भाई तू सोया हुआ है, अगर अभी सोया रहेगा तो फिर रात को नींद नहीं आएगी। अभी देखिए 9 बज रहे हैं और अब जा करके मैं फ्रेश महसूस कर रहा हूँ, उठा था तो सर बहुत भारी लग रही थी और लाइट भी चली गई थी घर के अंदर, पूरे अपार्टमेंट में सभी जगह लाइट्स थे मगर मेरे फ्लैट में लाइट ही नहीं था। अभी बैठता हूँ थोड़ा दही खाता हूँ, देखिए अपने लिए निकाला है, भूख लगी हुई है। The next day. So good morning जी, कैसे हैं आप सब? आज मंडे है और अभी मैं वॉक कर रहा हूँ, कुछ 9:30 के टाइम हो रहे हैं, ऊपर देखिए सूरज एकदम सर पे है। क्या हुआ आज सुबह जब मैं उठा था उस समय सुबह में, आज शायद महाराष्ट्र बंद है आज,
तो उसकी वजह से जिम भी बंद था हमारा। तो हमारे ट्रेनर ने मुझे मैसेज किया कि आज हमारा जिम बंद है। मैंने कॉफ़ी वगैरह पी लिया था, सोचा क्या करूँ तो चलो थोड़ा मॉर्निंग वॉक पे निकल जाते हैं। तो इसके लिए आज काफ़ी दिनों बाद मॉर्निंग वॉक करने, कुछ 3.5 किलोमीटर वॉक कर लिया, अभी 1.5 किलोमीटर और करूँगा, लेकिन इस एरिया में बहुत दिनों बाद आया हूँ। मेरे साथ देखिए अशोक और अमित भी है, वो उतने आगे निकल गए हैं। अशोक कैसा फीलिंग हो रहा है? अच्छा हो रहा है, जिम नहीं मिला तो वॉकिंग कर ली। लेकिन एक चीज़ है, सुबह सुबह आप वॉक करोगे ना, आपके बॉडी में अलग ऊर्जा आती है। जिम करने का अलग होता है, मगर ऐसे नेचुरल एयर आप जब कंज्यूम करते हैं तो अलग खुशी होती है। आज सुबह देखिए जो हम लोगों ने शुरुआत किया है, बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है मुझे, सच बताऊँ तो, और पॉजिटिव नोट पे हूँ मैं। अराउंड 4.5 किलोमीटर मैंने कंप्लीट कर लिया है, 5,968 स्टेप एक घंटे से वॉक कर रहा हूँ। मेरे घर पे देखिए कबूतर आया हुआ है पानी पीने के लिए, गर्मी ही इतनी ज़्यादा है। अभी देखो मेरे पूरे घर में ना धूप अंदर तक जा रहा है, सूरज 12 बजे के बाद 1 बजे के बाद इधर से ऐसे आने लग जाता है यूं, और वहाँ जाके अस्त्र हो जाता है। गर्म बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इसकी वजह से 1 बजे के बाद जब धूप होने लग जाती है ना, तो मेरा पूरा ये घर जो है ना गर्म होने लग जाता है। सो दिस इज द बिग 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 वेरी बिग ड्रॉबैक ऑफ माई घर। ऐसे तो मुझे एसी की जरूरत पड़ती नहीं है यहाँ पे, क्योंकि शाम के टाइम के बाद अगर आप खिड़की खोल देते हैं ना, तो इतना जबरदस्त बढ़िया वाला हवा आता रहता है ना कि आपको एसी फेल है, वहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ती एसी वगैरह की। तो अभी 4:30 हो रहा है, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी, तभी आपने यहाँ तक वीडियो देखा है। मिलेंगे फिर किसी नए ब्लॉग में नए एनर्जी के साथ, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और देखते रहिए मेरा चैनल। बाकी डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। भारत माता की जय। टाटा बाय बाय, लव लव।